हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साइड डेंटल व्लॉग्स। सो पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं क्लिनिक में अभी, तो सबके साथ ये प्रॉब्लम है। ऐसा कि ये नहीं है कि सिर्फ आपके मेरे साथ है, क्योंकि अभी रेनी सीजन है। और आज का टिप मैं ये देता हूँ कि जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, कुछ भी करवाने, आरसीटी, एक्सट्रैक्शन, टूडे आज ये एक टिप, आज के लिए एक टिप, ताकि आपके पेशेंट बढ़ पाए। टूडेज टिप इज कि आप जो भी पेशेंट आया और वो आपसे अगर सेटिस्फाइड है, तो प्लीज उस पर्सन से आप रिव्यू लीजिए अपने क्लिनिक का, रियल रिव्यू। जो भी उस पेशेंट को बोलिए कि ऐसा नहीं कि 5 स्टार दीजिए, 4 स्टार दीजिए, रियल रिव्यू आप पेशेंट से पोस्ट करवाइए। उससे क्या होता है कि एक पेशेंट्स जो भी ऑनलाइन सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स में, पेशेंट को एक ट्रस्ट आता है कि हाँ, एक ये रियल रिव्यू। अगर पेशेंट को लगता है कि आपके क्लिनिक को 4 स्टार मिलना चाहिए तो 4 स्टार, अगर 3 स्टार तो 3 स्टार, अगर 5 स्टार तो 5 स्टार। ऐसा नहीं है कि आप उसे हमेशा 5 स्टार ही करवाइए, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे क्लिनिक को देखे हैं कि जिसमें 250-300 रिव्यूज हैं, सारे 5 स्टार्स हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट नहीं आ रहे हैं। तो फेक रिव्यूज मत डलवाइए, रियल रिव्यूज डलवाइए। अगर आप फेक रिव्यूज डलवाएंगे तो गूगल को ये चीज पता चल जाती है। उनका एल्गोरिथम इस टाइप का है कि दे कम टू नो अबाउट इट एंड वो आपका ब्लॉक कर सकते हैं, उसका जो आपका जो आप फोटोज वगैरह पोस्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, मैंने एक बार अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल के 95-96 रिव्यूज डलवा दिए थे, उसके बाद मेरा फोटोज में पोस्ट नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैंने मेल वगैरह किया, तब जाके ठीक हुआ ये चीज। तो एक साल तक मैं फोटोज पोस्ट नहीं कर पाया था, कोई पोस्ट नहीं डाल पाया था गूगल माई बिजनेस वाले ऐप में। तो अगर आप रिव्यूज डलवा रहे हैं तो रियल रिव्यूज डलवाइए। एवरीडे आप 2 रिव्यूज का ट्राई करिए, एटलीस्ट 1 रिव्यू, हफ्ते में 2 या 3 रिव्यूज का ट्राई करिए। और उससे देखिए आपके धीरे धीरे पेशेंट्स बढ़ेंगे, रिव्यूज देख के आते हैं पेशेंट। तो आज का ये टिप था। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।